एक्टिंग सुशांत को आती नहीं है। मेरे ख्याल में एकता कपूर पे बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए जिन्होंने उनको एक्टर बनाया है। सुशांत सिंह का आपको पता ही है कि वो कितनी लाजवाब एक्टिंग करते हैं, एक मिनट में 15 दफा मुंह बनाते हैं। पता नहीं किसने बता दिया इस लड़के को कि यही एक्टिंग है, बाकी सब ने अपने रोल्स को ठीक ठाक निभाया है। गुस्सा बिल्कुल मत होइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, तभी आप कुछ कमेंट करिएगा और मेरे बारे में कुछ सोचिएगा। इस फिल्म को देख करके आप बाहर सिर्फ पछताते हुए निकलेंगे, खुश होकर तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार। एक्टिंग सुशांत को आती नहीं है। मेरे ख्याल में एकता कपूर पे बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए जिन्होंने उनको एक्टर बनाया है। इवन साजिद नडियाडवाला जैसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी फाइन होना चाहिए जो उनको 8 करोड़ रुपए। ये ऐसे लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत की जब भी कोई फिल्म आती थी तो उसकी समीक्षा करके आप लोगों को बताते थे कि फिल्म के बारे में कैसी है। जैसे आपने अभी देखा कह देते हैं, जब आप एक 8 लाख के एक्टर को 8 करोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है उस बेचारे को कैसे पता लगेगा कि उसको क्या आता है या क्या नहीं आता। वो तो अपने आप को शाहरुख खान से कम बिल्कुल नहीं समझेगा। सुशांत सिंह ने यहां बहुत ही खराब एक्टिंग की है। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे कहीं भी एक्सप्रेशन का नामो निशान नहीं है। उनको सिर्फ यह पता है कि मुंह को कैसे बनाना है। मतलब वो मुंह बनाने से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई डायरेक्टर ने उनको ये क्यों नहीं कहा कि मेरे भाई ये एक लव स्टोरी है, यहां मुझे आपका एक्सप्रेशन चाहिए, ये मुंह बनाना नहीं चाहिए। इस फिल्म में ना एक्शन है, ना इमोशन है, ना एंटरटेनमेंट है। तो मैं कहूंगा कि इस फिल्म को आप अवॉइड करें और अपने पैसे बबचाएं। मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार। इन्होंने क्या कहा, अब आपको यकीन हो गया ये कैसे लोग थे। और भी बहुत सारे इसी के जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो इस तरह की हरकत करते थे। कई बार इन सब के चक्कर में, इन सब के झांसे में मैं भी आ चुका हूँ। जैसे कि मुझे कोई फिल्म पसंद हुई देखने के लिए तो मैंने रेटिंग जाके चेक की या उसका रिव्यू देखा, तो ये जैसे लोग हैं जैसे अभी आपको दिखाई दिया, ऐसे कुछ लोग जिनसे जिन्हें फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता था, वो लोग बैठ कर अपना रिव्यू देते थे, पॉइंट देते थे, उसे जो स्टार देते थे। और उससे क्या होता था, जिसे कम स्टार मिलते थे हम जैसे दर्शक उसे देखने नहीं जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। हाल ही में मुंबई पुलिस ने इसी तरह के एक व्यक्ति को पकड़ा जो सारे फिल्मों की रिव्यू करता था, उसे 3 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट देता था, जबकि उसे फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो लोगों को उत्साहता था। आप समझे ना, आज हमें सुशांत सिंह की कितनी जो फिल्में हैं आज जाके देखी, आपने देखी नहीं होगी तो कितनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। आज हम सुशांत सिंह की बहुत सारी फिल्मों को देख रहे हैं और आप पता चल रहा है कि यार वो तो बहुत अच्छे एक्टर थे। तो इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनके चक्कर में हमारे नए कलाकारों की फिल्म देखने के लिए जब लोग जाते हैं तो ये यूट्यूब पर या किसी न्यूज़ चैनल पर उनकी फिल्मों का रिव्यू देते हैं और वहाँ पर जब उन्हें स्टार कम देते हैं या उनकी रेटिंग कम करते हैं तो बहुत सारे दर्शक इन नए कलाकारों की फिल्म देखने नहीं जाते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाल ही में जो सुशांत सिंह की जो फिल्म आई दिल बेचारा, उसने बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और यह सब पॉसिबल हुआ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि वह फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इन्हीं लोगों के चक्कर में कई आर्टिस्ट सुशांत सिंह राजपूत जैसे कदम उठा लेते हैं। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म है दिल बेचारा, आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, सपोर्ट करिए और इन जैसे लोगों से बचिए। और रिव्यू देने वाले, फिल्म की समीक्षा करने वाले, उनको रेटिंग देने वाले, इन लोगों से दूर रहिए।
तो मुझे लगता है ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक देके जाइएगा। और जो नए जुड़े हैं इस चैनल पर, उनसे कहूँगा कि भाई साहब, मैं फिल्म में काम करने की जानकारी वाली वीडियो अक्सर बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।